اللهم صل على محمد وآل محمد لبيك يا عباس سلام دار لبيك يا حسين لبيك يا حسين। अस्सलाम वालेकुम यारी अलैहिस्सलाम, मदद हाँ तमाम मोमिनीन को मेरा सलाम हो अदर बहतराम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध, सूबा सिंध के शहर कराची में, और कराची की उस इलाके में जहाँ से मोमिनीन की मुसलमानों की दुआएं मुस्तजाब होती हैं, जिसे महफ़िल शाह खुरासान कहते हैं। आज शब जुमा है, हाजरी पे आपको तो मालूम है हर शब जुमा पे मैं करबला जाता हूँ या शाह नजफ दुआ कुमेल पर। तो इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, तो शब जुमा जब भी आती है तो मेरी नज़रें ढूंढती रहती हैं, यकीनन आपकी भी नज़रें ढूंढती रहती हैं जहाँ से करबला की खुशबू आए, करबला वालों की। तो यही वो जगह हैं जहाँ पर करबला और करबला वालों की खुशबू आती है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाज़र यहाँ पर महफ़िल शाह खुरासान पर, अलम मौला गाज़ी अब्बास अलमदार का। और कल मैंने ज़्यारत अंचोली मंबारगा से शहदाए करबला से जो है लाइव चलाई थी आपको ज़्यारत। ज़ुलजनाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो यहाँ पर जो है ज़्यारत कर सकते हैं, और यहाँ पे नमाज के लिए और महफ़िल शाह खुरासान की एक ख़ास जो है जो एक मकाम है, ख़ास जगह है। वो एक करारदाद हुई थी, सुनने में आया था कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक जो है तामीर की जाएगी। तो फौरन ही अहले तशय्यो के मोमिनीन ने, मुसलमानों ने मिलकर मौला हुसैन के चाहने वालों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जगर बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मासूमीन की जो ज़री बनाई थी। सऊदी अरब ने वो उसको कबूल नहीं किया और फिर वो यहीं पे रह गई, और अभी तक वो यहाँ पर बाकी है। लोग यहाँ से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेकर उसकी ज़्यारत करते हैं। वो इसी मकाम के अंदर है। जब भी कराची आना हो महफ़िल शाह खुरासान किसी से भी पूछेंगे आपको बताएंगे। चलते हैं, एक खूबसूरत मकाम है जागीर अली अकबर, उन्होंने बनाया यहाँ पर मोमिनीन ने, और मौला अबाबुल हवाज अली असगर का झूला उनकी ज़्यारत कराता। इस मकाम और इस जगह को दरे बतूल से पहचाना जाता है। मैं पिछले साल जब यहाँ पर आया था तो मैंने ये मकाम नहीं पाया था जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और ये करबला में आपको मैंने अक्सर ज़्यारत करवाई है मकाम अली अकबर की। तो बिल्कुल हूबहू मकाम अली अकबर की जो है मकाम जैसा महफ़िल शाह खुरासान पे दर बतूल पर तामीर किया गया है मोमिनीन के लिए। मैं दुआ को हूँ हर उस बहन और भाई के लिए कि जिनका नसीब नहीं है मौला अली अकबर के साथ, के उनका नसीब हो अच्छे से अच्छा। इलाही तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो हूँ मौला हुसैन इस मकाम के सदके में आपको करबला में मकाम नसीब करे, मकाम अली अकबर की ज़्यारत और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत। खूबसूरत मकाम है, यकीन जाने इन मकामात को देखकर करबला की खुशबू आती है, और बहुत जल्द मकाम अली अकबर से आपको ज़्यारत पेश करूँ, ज़्यारत करें खूबसूरत।
इमाम हसन अल-अस्करी की आमद मुबारकबाद। चलते हैं ज़ियारत करते हैं खूबसूरत। यकीनन पूरी दुनिया के मोमिनीन देखते होंगे जो अभी तक कराची शहर में महफ़िल शाह ख़ुरासान दर बतूल पर नहीं आए, इन ज़ियारात के बाद यकीनन जो करबला नहीं जा सकते कम से कम यहाँ पे आ सकते हैं, लाल शहबाज पे आते हैं उसके बाद कराची बिल्कुल करीब है तो ज़ियारत कर सकते हैं। दुआओं की मुस्तजाबी का दर है और यकीनन आपको एक सुरूर महसूस होगा। मैं इस झूले के बारे में कई मरतबा बता चुका हूँ, अपनी वीडियो में एक मरतबा फिर बताऊँगा कि ये तीसरा झूला है कराची शहर में जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, जो एक साल मक्तल शहज़ादा अली अकबर पे नसब था और एक साल के बाद फिर यहाँ पे वो लाया गया। तो यहाँ पे अगर किसी की मन्नत होती है जो करबला नहीं जा सकते, यहाँ पे दुआ मांगते हैं औलाद वाले, उनको औलाद नसीब होती। मैं दुआ कहूँ जो लाए अली असगर के सदक़े में जो बे औलाद है, रब्बुल आलमीन को औलाद अता फरमाए और उनकी दुआएं मुस्तजाब करें जो करबला जाना चाहते हैं। इलाही आमीन। जी वालेकुम। महफ़िल शाह ख़ुरासान है, जब भी आना हो मैं आप सबके लिए दुआ गूँ, ज़रूर यहाँ कराची शहर में जब भी आए तो ज़्यारत करूँ। जी वालेकुम। जी दुआएं आप सुनाए, ठीक है। शबीह ज़ुल्जना है मौला हुसैन। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अज़ा ख़ाने ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। यहाँ पर कासिम अली हाल जो है वो ज़री बनी हुई है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जन्नतुल बकी के मासूमीन की। तो इंशाल्लाह बात हो हमारा ये मकाम भी हम ज़ियारत के लिए जाएं, दुआ गो इंशाल्लाह। तो चलते हैं अज़ा ख़ाने की तरफ आपको ज़ियारत, अगर ये खुली रहती तो आपको यकीन मैं आपको ज़ियारत कराता। इसी के सामने जब महफ़िल शाह ख़ुरासान के आलम के जहाँ से मैंने आपको कासिम अली हाल दिखाए, वहाँ से सीधे रास्ते जब आप आएंगे तो अज़ा ख़ाने ज़हरा की तरफ जाएंगे। ये तबरुकात और किताब भी हैं वो भी देखते जाएं। मैं जब करबला से अभी आ रहा था एक हफ़्ता पहले तो वहाँ पे आपने देखी होगी बैनुल हरमैन में मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ पे तबरुकात की दुकान थी तो यहाँ पे वो मुझे देखने में मिली हैं तबरुकात जो है मोमिनीन जो अपने घरों के लिए। ये तबरुकात इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ कि शायद ही किसी को कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती तो मेरी इस वीडियो से शायद उसको फ़ायदा मिल जाए, यहाँ से खरीद सकता है। बोला मेरे को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद लब्बैक या रसूल। अज़ा ख़ाने ज़हरा आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ। पिछले साल जब मैंने ये वीडियो बनाई थी अज़ा ख़ाने ज़हरा की, काफ़ी मोमिनीन ने सवाल किया कि पाकिस्तान में कौन सी जगह है इतनी खूबसूरत और सुनने वाली मकान। तो ये अज़ा ख़ाना महफ़िल शाह ख़ुरासान के सामने है
जिसकी मैं आपको ज़्यारत कराने जा रहा हूँ, और जहाँ पर मौला हसन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मूसा कादिम अलैहिस्सलाम का ताबूत और अज़ाखाना है। चलें ज़्यारत करते हैं, मैं आपको ज़्यारत पूरी सही तरह से कराने की कोशिश करता हूँ। علی حیدر کرار علی حیدر کرار میرے ساتھ مل کے نعرہ ماریں گے نعرہ حیدری علی حیدر حیدر یہ پرچم کا سایہ ہے سرزمین سندھ پر کہ اسی پرچم سے پوری سندھ جو ہے منور ہے تو یہ میں نے آپ کو زیارت پیش کی ہے عزا خانہ زہرہ کی तो चलते हैं आपको ज़्यारत कराता हूँ। یہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے یہ دروازہ کیونکہ یہاں سے تابوت لایا جاتا ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے یہ جگہ یہاں پر ذریعہ طہر بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ یا سیدہ فاطمہ زہرا لاکھوں درود و سلام میرے کربلا شام کے دروازے کھول اے میری آقا زادی ہماری ماں ہمارے باپ آپ کے در کے غلام اور کنیزیں ہیں اے شہزادی اے آقا زادی لاکھوں درود و سلام امام حسن علیہ السلام کا سامنے تابوت اور یہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا امام زین العابدین علیہ السلام کا جی امام زین العابدین کیونکہ ان بیڑیوں اور زنجیروں سے معلوم ہوتا ہے بیمار کربلا یہ تابوت ہے امام سجاد علیہ السلام کا
और ये ताबूत है मेरे अल्लाह पर शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम। चल रही है, चलें ज़ियारत करें मजलिस की, मोमिनीन की। नन्ही शहज़ादी है, मौला इनको करबला नसीब करे। मुझको हमेशा बेटी है कहकर वो बुलाते। जीवन यहाँ में हक पे बिताने को आई हूँ, जीवन यहाँ में हक पे बिताने को आई हूँ। मैं तख्त जूतियों को असर दे के आई। कितना महापरिश्तों का है जो सुनता, वहाँ पर रिश्तों का है जो सुलता, जमीन पर है वो गुलामे फिजा। वहाँ पर रिश्तों का है जो सुलता, जमीन पर है वो गुलामे फिजा। जो निजामे दो जहाँ अली है उसके घर में नामे फिजा, है उसके घर में नामे फिजा। वहाँ पर रिश्तों का है जो सुलता, जमीन पर है वो गुलामे फिजा। जो निजामे दो जहाँ अली है उसके घर में नामे फिजा। अदल की नजरों से बात दादी में देखे उसके थी महफिल शाह फरासान की और अगर खाना जहरा सलाम थी तो यकीन आपने लुफानंदोज़ होंगे। मौला हुसैन आप सबको इंशाल्लाह इनके सदक़े में ज़ियारत के सदक़े में करबला शाम फरासान काजमैन कौम मक्का मदीना और हर वो जगह जहाँ पर मासूम औलाद मासूम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको नसीब करें। इसी अल्फाज के साथ इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फ़रजहु अल्लाह पाक उनके ज़हूर में ताजील फरमाएँ और उनके अंसार में भी शुमार फरमाएँ। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें
हराम से बचने की तौफीक अता करें और वाजिब बात पे अमल करने की तौफीक अता करें। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। ज़रूर आइएगा एक मरतबा परचम मौला गाजी अब्बास की फिर से ज़्यारत कराने जा रहा हूँ। या हुसैन ज़रूर लिखिएगा अगर वीडियो पसंद आए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। इस वक्त मौजूद हूँ कराची शहर सूबह सिंध में और अज़ा खाने ज़हरा पर, यहाँ पर जो नन्हे शहज़ादों को मैंने देखा आलम पे पढ़ते हुए, वो एक शहीद के फर्जंद हैं। मौला और शहीद के जो है दर्जात बुलंद फरमाए और उन बच्चों के लिए दुआएं। शायद आप में से कोई ये वीडियो देखे और मैं चाहूँगा ये बच्चे मेरी दुआओं से, आपके तआवुन से करबला जाए। इतनी प्यारी आवाज़ है, वीडियो आखिर तक देखिएगा। मैंने महफिल शायर खुरासान की तमाम ज़्यारत करने की कोशिश की है, सिर्फ एक हाल जो जहाँ पे ज़्यारत थी भी जनरल बकी की वो बंद था, बाकी ज़्यारत आपको मैंने करा दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले ये खूबसूरत कलाम सुने और खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत बच्चों के हसनैन और अब्बास यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी हुसैन बाद रहे हैं निजो हुसैन बाँट रहे हैं इजात ले जाओ कुछ में साथ ले जाओ हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजुम। आपके YouTube का नाम क्या है? हसनैन अब्बास ब्रदर चैनल, इनके YouTube का नाम है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी प्यारी आवाज़ है और इतने प्यारे तरीके से उन्होंने पढ़ी है, तो यकीनन इनका बनता है कि इनको सब्सक्राइब किया जाए। और जो भी इस वीडियो को देखे और देखने के बाद, सुनने के बाद, सुरूर हासिल करने के बाद अगर इस वीडियो को आगे शेयर ना करें तो मैं तो उनसे वाकई नाराज़ हो जाऊँगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा मोहब्बतें और आदमाना अदब और प्यार से कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आगे मोमिनीन तक पहुंचाने में हमारी मदद किया।
लबैक या हुसैन, लबैक या अब्बास अलमदार। कराची शहर में अज़ा खाने ज़हरा से ये मनाज़र आपके सामने, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत ज़मीन पे, खूबसूरत कलाम के साथ।